स्किन लाइक फिनिश ये दे रही है, जिसको लोगों ने कंपेयर किया है रेयर ब्यूटी लिप ऑयल के साथ। वेलकम बैक ब्यूटीज टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्स के न्यूली लॉन्च फाउंडेशन के बारे में। आई नो थोड़ी सी लेट है वीडियो, बट स्टिल फाउंडेशन रिव्यूज मेरे चैनल में बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट, वाटरप्रूफ टेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट, वेट टेस्ट करके कि फाउंडेशन आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहे, क्योंकि इस फाउंडेशन के बारे बात करने वाले इन डिटेल फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो कितनी यूजफुल है, किस स्किन टाइप के लिए है, और क्या ये एक्चुअल में वर्थ बाइंग है या नहीं है, वीडियो में आगे आपको पता लग जाएगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बढ़ते वीडियो में आगे। सबसे पहले मैं वन पंप लूंगी इस फाउंडेशन की, क्योंकि मुझे देखना है ये कितने अच्छे से कवर करती है मेरी एक्नी स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, सब कुछ विजिबल है। कोई फिल्टर मैंने यूज नहीं किया है, तो आप सब कुछ देख पा रहे हो। आपके पास में दिखाऊंगी, सबसे पहले सेट देख लो, बिल्कुल परफेक्ट सेट है, बट फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। क्यों हुई वीडियो में आगे पता लगेगी। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ आपको, और हमेशा की तरह वेट टेस्ट करके दिखाने वाले, बहुत कुछ टेस्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले अब इसको आप ब्लेंड करने के लिए ना कुछ भी यूज़ कर लो, फिंगर के साथ कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश, कुछ भी यूज़ कर लो। मक्खन की तरह ग्लाइड करती है, ब्लेंड होती है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, और बहुत ही नेचुरल फिनिश दे रही थी आपको। अब पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, सब कुछ डिटेल में बताती जाऊँगी। बट उससे पहले मैंने कोई कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है, और इसको ही मैं कंसीलर की तरह भी यूज़ करूँगी। हाफ से भी कम पंप लिया है मैंने, और जहाँ भी मुझे रिक्वायर्ड थी वहाँ अप्लाई किया है। तो कोई कलर करेक्टर यूज़ नहीं करने के बावजूद आप अगर देखोगे तो इसने बहुत अच्छे से कवर किया है। कवरेज इसकी कितनी अच्छी है मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप शॉक रह जाओगे मैं जब इसकी कवरेज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं काजल को कवर करके आपको दिखाने वाली हूँ इसके साथ में। तो अभी सबसे पहले इसको भी ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसकी ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट, ये कितनी ट्रांसफर होती है और किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग है अभी आपको पता लग जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट, और ये जिसमें कि फेल हो गई, बहुत गंदी तरीके से ट्रांसफर हुई थी यार। तो इसको ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की सेटिंग स्प्रे के साथ अच्छी क्वालिटी की लूज पाउडर भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये ट्रांसफर प्रूफ बनेगी, अदरवाइज मेकअप आपकी क्रीज करने लगेंगी। अब इसके बाद मैंने इनकी लिप मिश ट्राई किया था, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाउंडेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है मार्स की लिप मिश, जिसको लोगों ने कंपेयर किया है रेयर ब्यूटी लिप ऑयल के साथ। तो मैंने इसको अभी ट्राई किया, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई है। मुझे ये समझ नहीं आई कि इसके नाम लिप मिस्ट क्यों रखी गई है, बट ये बहुत ही सुंदर पैकेजिंग के साथ आपको रिसीव होती है कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट अगर आप देखते हो ना, तो देखकर बता ही नहीं पाओगे कि इतनी सस्ती प्रोडक्ट है। एक्चुअली मार्स की जितने भी प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं ना, सभी की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती जा रही है, जिससे कि आप प्रोडक्ट को पकड़ोगे तो फील ही नहीं होगी कोई सस्ती प्रोडक्ट आपने अप्लाई कर रखा है। अब अगर इसकी बात करूँ ना, इतने ज़्यादा स्वेचेस मैंने कर रखा है, अगर ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बहुत ही सस्ती पैलेट्स दिखाई है जो मैंने मीशो से ट्राई किया है। तो इसको इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही थिन है कंसिस्टेंसी। अगर आपने बेनिफिट की गोगो टिंट ट्राई किया होगा तो उस टाइप की से कंसिस्टेंसी, लिपस्टिक की तरह ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल टिंट की तरह लगती है, बहुत ही लाइट वेट है। इसको मैंने अप्लाई किया है पहले से, तो मैं बता सकती हूँ टेक्स्चर वाइज ये बहुत ही अच्छी है। प्रोडक्ट बहुत ही लाइट वेट है, रेयर ब्यूटी मैंने ट्राई नहीं किया, बट इसके बारे में अगर बोलूंगी तो इसको आप अभी रिमूव कर सकते हो इस तरह से, इससे सारी साइन हट जाती है, बट एक नेचुरल सी साइन रहती है जो बहुत ही नेचुरल लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ लिप ग्लोज अप्लाई किया है, बहुत नेचुरल सी साइन रह जाती है, और ये टिंट भी रह जाती है जो कि इजीली नहीं निकलती है, बट अगर आप कुछ खाते पीते हो ऑयली तब ये निकल आती है, तो ये उतनी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आप लिप एंड चिक टिंट ट्राई करते हो वो क्रीम बेस्ड में ना, तो उसको जब आप अप्लाई करते हो अपनी लिप्स पर तो वो फील होता है कि आपने कुछ लगा रखा है, बट जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके लिप्स पर फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लगा रखा है, कोई देखकर भी नहीं बता पाएगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इतनी लाइट वेट इसके टेक्सचर है और इसके फील है, तो बहुत ही ग्रेट प्रोडक्ट है। प्राइस के अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको ट्राई कर लेना, लिपस्टिक थोड़ी जिनको हैवी लगती है उनके लिए परफेक्ट है, और यूज़ करने में भी बहुत ही आसान है, एप्लीकेटर भी इसकी बहुत अच्छी दी गई है, तो इट्स रियली अ गुड प्रोडक्ट। बट आई डोंट नो क्यों लिप मिस्ट कहा गया, अदरवाइज ये लिपस्टिक तो नहीं है, बट लिप एंड चिक टिंट की तरह वर्क करती है। इसको मैंने अपनी चिक पर भी अप्लाई किया जब ब्लश, और बहुत अच्छे से वर्क करती है। लिप्स पर भी अप्लाई किया है और कलर में एड कर दूंगी, इधर आप देख पा रहे हो। और जो मैंने ये लिया है ना, ये शेल शेड है, इसकी शेड है 07 शेल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रीटी कलर है, थोड़ी टेराकोटा शेड में है, तो आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में ये फिल्म
कर रही हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है कि आर्टिफिशियल लाइट है, बैक साइड में मेरी विंडो है, बहुत ही नेचुरल लाइट मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको एकदम समझ आ जाएगा इसके कलर एग्जैक्ट वही है जो आपको नजर आ रही है। डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो। फाउंडेशन को लगाए मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं और अभी अगर आप देखोगे तो इस एरिया से फाउंडेशन सेपरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर रही है, बट इस एरिया से फाउंडेशन थोड़ी सी सेपरेट होना स्टार्ट हुई है, इस एरिया से थोड़ी सी स्टार्ट हुई है। अदर देन डैट फाउंडेशन बहुत ही प्यारी, बहुत ही नेचुरल लग रही है, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इतना मुझे समझ आ गया है कि ये 4 to 5 आवर ही चलने वाली, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक पार्टी फंक्शन जब आप अटेंड करते हो ना, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक तो रुकते नहीं हो, 4 से 5 घंटे ही रुकते हो, तो उसके लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन है। बट उनके लिए जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई साइड में, जिनकी ऑयली साइड में ना, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए। इस वेदर में ट्राई कर सकते हो, विंटर में ट्राई कर सकते हो, बट जो ह्यूमिड वेदर होती है या फिर जो समर होता है ना, जो इंडिया में समर होती है हमारी, तो उसमें ये उतना लॉन्ग टाइम तक लास्ट नहीं करेगी। बट जो फाउंडेशन है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, अगर आप देखोगे तो बहुत स्किन लाइक फिनिश ये दे रही है, जबकि मैंने अपनी हेयर भी रिमूव नहीं किया है। और उसके बाद आप देखो बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश दे रही है, माउथ के अराउंड में भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई, कहीं से ये केकी नहीं लग रही है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि मैंने इसके साथ कोई कलर करेक्टर भी यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी डार्क स्पॉट्स विजिबल है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, बट इसको आपको किसी अच्छे लूज पाउडर के साथ सेट करना पड़ेगा, तभी ये लॉन्ग टाइम तक लास्ट करेंगी, अदरवाइज ये ट्रांसफर प्रूफ बिल्कुल नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो ये सभी कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो मुझे नेगेटिव पॉइंट रखे। पॉजिटिव पॉइंट मुझे सिर्फ यही लगी कि ये बहुत नेचुरल फिनिश देती है, बहुत इजीली ब्लेंड होती है, स्किन लाइक टेक्सचर है और बिल्कुल भी ऐसा हैवी नहीं लगता अप्लाई करने के बाद, लॉन्ग लास्टिंग है ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए, बट ऑयली स्किन के लिए उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो जो भी थी इस फाउंडेशन के बारे में सब कुछ मैंने यह बता दिया। एक और चीज़ जो मैं इंक्लूड कर दूँ कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है। अब मैं आपको ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन पिक किया है और देखो इसको मैंने जब अच्छे से स्प्रेड किया, इसके कलर आप देख पा रहे हो और अभी प्रीवियस फाउंडेशन के कलर आप देखो, वन सेड ऑक्सीडाइज होती है। तो जब भी पिक करो अपनी स्किन टोन से वन सेड लाइटर पिक करना, आप डिफरेंस देख पा रहे हो। अब कवरेज टेस्ट करते हैं। तो मैंने काजल के ऊपर इसको अप्लाई किया और ये 249-259 रुपीज़ की फाउंडेशन होने के बावजूद इतनी अच्छे से इसने कवर किया ना, काजल को कवर कर लिया और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दे रहा था, स्किन लाइक फिनिश दे रहा था। ड्राई स्किन है तो ट्राई करना, ऑयली स्किन है तो अवॉइड करो। तो आज की गिव अवे कोड है 249643, तो यही आज की गिव अवे कोड है जो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करोगे। और कितनी गंदी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रही है आप देख पा रहे हो, वन सेड ऑक्सीडाइज होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सब कुछ मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है। और अभी भी फाउंडेशन को लगाए हुए बहुत टाइम हो चुकी है, बट स्टिल आप देखो सिर्फ यहीं पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, डेट्स वाई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय। बट जाने से पहले सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना।